लग रहा होगा कहाँ आप किसके हाथों में पड़ गए। लेकिन जैसे पिताजी को पता चला कि मैं भूखा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सुबह के बजे 6:30 और अभी प्रोग्राम ये है कि अभी जल्दी से बाहर निकलना होगा। आज मंगलवार है, ठंड लगता है अब जाने जा चुकी है और गर्मी आ चुकी है क्योंकि मच्छर भी आ चुके हैं और फैन चलाने का भी मन कर रहा है। और रात को तो फैन चला के इस वक्त यानी कि पक्का गर्मी आ रही है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो उसमें एक ऐसा वीडियो था जिसमें मैंने बोला था कि मैं एडिटिंग अभी सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इसे मास्टर कर लूँगा। और अब मैं कह सकता हूँ सेफली कि मैंने एडिटिंग मास्टर कर ली है। बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे कि आप किस में एडिटिंग करते हो, तो मैं लुमा फ्यूजन में एडिटिंग करता हूँ। तो स्टार्टिंग में आई मूवी में करता था और अब लुमा फ्यूजन में एडिटिंग करता हूँ। क्योंकि पूछ रहे थे कि इतनी जल्दी जल्दी एडिटिंग आप कैसे कर लेते हैं, तो एडिटिंग जल्दी करने के लिए आपको जो है अच्छे सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास। तो लुमा फ्यूजन इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर यू कैन गेट इन iOS। तो चलते हैं बाहर सबसे पहले। सच बताओ तो मुझको अब इस घर में नहीं रहना है क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा कुछ भी काम नहीं अच्छे से हो पा रहा है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा भीड़ है तो कैसे होगी, और मुझे स्पेस भी जो है वो मच वाइडर चाहिए। तो इतने कम स्पेस में तो मेरा काम नहीं बनेगा, ना ही एडिटिंग हो पाएगी, ना ही मैं बुक लिख पाऊँगा, ना ही स्टूडेंट्स को गाइड कर पाऊँगा और ना ही वर्कआउट कर पाऊँगा। तो उसके लिए नया स्पेस चाहिए, तो मुझे घर तो ढूंढना ही पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि होम टाउन है तो फिर अपार्टमेंट क्यों ढूंढ रहा है। होम टाउन है पर इतना बड़ा फैमिली है, 19 मेंबर्स है घर का, 19 मेंबर्स एक घर में। पहले सुबह सुबह जल्दी का उठने का मोटिवेशन ये था कि दोस्तों के साथ पीछे बैक बेंच में बैठना है और मस्ती करना है, तो किसी तरह कोशिश करके बेड छोड़ देते थे। लेकिन अब अलग मोटिवेशन है, अभी है कि व्लॉग बनाना है, एडिटिंग करना है, हर दिन ब्लॉग पोस्ट भी होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन है। सुबह को जल्दी उठना पड़े या रात में लेट से सोना पड़े वो सब पता नहीं, पर अच्छा ब्लॉगर ज़रूर बनना है। तो उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े करूँगा। वीडियो अपलोड देर से इसीलिए हो रही है क्योंकि सोने का जो मेरा पैटर्न है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। 1-1.5 बजे नींद आती है और आँख खुलती है 8-9 बजे के आसपास। स्लीपिंग पैटर्न के कारण थोड़ी सी अपलोड करने में प्रॉब्लम हो गई है, पर जल्दी उसको सुधार लेंगे और 10 बजे वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। So don't worry about that. पर अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना कि व्लॉग अच्छा लगता है। वो पढ़ के मुझको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे व्लॉगिंग कभी भी नहीं आता था। मैंने बेसिकली ज़ीरो से स्टार्ट किया है, बिना कुछ किसी से पढ़े, बिना कुछ किसी से सुने या बिना कुछ किसी के देखे हुए। जैसा ही मुझे लगता है कि ऑडियंस को किस एंगल से प्रेजेंट किया जाता है अपना व्लॉग या अपना स्टोरी, तो वैसे ही मैं प्रेजेंट करता हूँ। अभी रनिंग करने जा रहे हैं थोड़ा। अच्छा ये जगह है खाली जहाँ पे वॉक वगैरह ये लेक से किया जाता है, पता नहीं यानी तो कहाँ जाते हैं, सब जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, रोड ही रोड। थैंक गॉड सच अ प्लेस एग्जिस्ट। बाय द वे रनिंग के लिए जगह मैंने ढूंढ ली थी 1 साल पहले ही, मार्च 2020, लेकिन कोरोना के कारण वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाया। तो वापस जब वही जगह पे गया तो देखा कि उसका हॉल छोटा था और रूम भी था सब कॉम्पैक्ट था। वो 3 BHK था पर अच्छा क्या नहीं गया। बचपन में यहाँ पे मेरा मामा घर आपको तो पता ही होगा, तो बचपन में जब मैं इधर आता था तो ये सब कुछ भी नहीं था, ना सीढ़ी, ना ये सारे घर, कुछ भी नहीं, बस पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल। बस उधर से थोड़ा सा रास्ता था जहाँ पे आप उधर जा सकते थे दूध लाने के लिए, बाकी इधर कोई जगह नहीं था। लेकिन यही 10 साल के बाद घर ही घर, वो वाला टाइम जो था ना, अरे बता नहीं सकते कितना मज़ा किया हम लोगों ने उस टाइम। ये पहले ग्राउंड था, जब सूख गया था तो ये पूरा ग्राउंड था, तो यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। और ऐसा एक भी स्पॉट यहाँ ना पे नहीं होगा जहाँ पे हम लोगों ने बैटिंग नहीं की हो, हर साइड से बैटिंग, हर साइड से बॉलिंग की है।
जहाँ पे पानी भर जाती थी वहां पे नहीं खेलना छोड़ देते थे, दूसरे जगह जाके खेलने लगते थे। अरे इस बार भी नहीं आया तो फिल्म बना रहे हैं। फिल्म तो बना रहे हैं, उसमें लीड एक्टर तुम ही हो। तुम्हारा नाम? नाम छोटू। छोटू, अरे वाह। ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट पूरा एक स्टोन है, तो यहाँ पे हम लोग बैटिंग करते थे यहाँ पे, और इधर से बॉलिंग, और वो रहता था बाउंड्री, तो जो भी आउट हो जाता था तो पवेलियन ये था। क्लासेस छोड़ के यहाँ पे मस्ती। तो वो था बस स्टैंड, कहीं भी जाना हो वहाँ पे जाओ, पानी टंकी के पास है, पानी टंकी बस पहुँच जाओ, उसके बाद जहाँ भी आपको देवघर से जाना है आप जा सकते हैं वहाँ से। बढ़िया बढ़िया, बहुत दिन बाद। इधर कहाँ तुम, इधर रंग बिरंगा था सर, रनिंग करने इधर ही। अच्छा, हम लोग ये फुटबॉल खेल रहे। हाँ तो फुटबॉल तभी से खेल रहे जैसे आपको देख रहे हो। चलिए ब्लॉग कर रहे थे इसीलिए। अच्छा रुको, तुम्हारा भी ब्लॉग बना देते हैं। कहाँ घूम रहे हो इधर? अभी अभी जाएंगे दौड़ वौड़, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करेंगे थोड़ा सा। दौड़ दौड़ के आए उतना दूर से? लो बनाते बनाते लो। चलो, और रक्षित भैया कैसे? ठीक है, अभी क्या हुआ है। जो आपको घूर घूर के देखे बस उसके सामने कैमरा ले जाओ। टेल बी गॉन सून। ये वाला फोन बचा के रखना है यूएस तक, वहां पे जाके नया फोन लेना है। तीन बार गिरा चुके हैं, वसूल हो रहा है आईफोन को, लग रहा होगा कहाँ किसके हाथों में पड़ गए। इतना बार कोई नहीं गिरा होगा, बस ड्रॉप टेस्ट जो करता है वही लोग कराता होगा। हर दिन गिर ही जाता है, हर दिन मुझे ही सब कोई बोल रहा है पूजा करा दे पूजा करा दे। हम यहीं रहते हैं भैया, क्या सुबह सुबह निकल के बाहर जाके अपना आईफोन पटक के मैं आ चुका हूँ घर वापस। अब सीधा मिलेंगे शाम में, बाय। ज़्यादा भूख लगी थी घर में, तो कुछ ऐसा नहीं था जो मैं आज खा सकता, कुछ मेरे पसंद का नहीं बना था, तो बाहर आ गया खाने। पर उठा दुकान बंद चेकियो, आज ना कितना देना, आज बंद। बाहर गया खाने के लिए, जो पराठा खाना चाहता था वो मिला ही नहीं। घर पे तो आज मन नहीं कुछ खाने को, तो लगता है आज रात भूखे ही सो जाऊंगा, क्योंकि
अब 10 बजे खाना उतना सही नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट 9:45 हो चुका है और आज का दिन तो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सोने का ये प्रोग्राम था, अभी बज रहे हैं वैसे 11:30 पर। जैसे पिताजी को पता चला मैं भूखा हूँ, बाजार का एक पराठा, एक कटोरी सेवई, एक कटोरी दाल, एक गिलास दूध, सब कटक गया, कुछ नहीं बचा। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाता है कि अब मैं जल्द से जल्द एक अपार्टमेंट ढूंढूं और अपने रहने का व्यवस्था खुद करूं वरना। तो बस वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में 1 किलो वजन एक्स्ट्रा के साथ। बाय।